नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों वेटाइन फिल्म की एडवांस बुकिंग के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों वेटाइन की जो एडवांस बुकिंग है कुल मिलाकर ये ठीक है, लेकिन 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 सवाल वही है कि हिंदी में फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पा रही, बल्कि बहुत बुरा कर रही है। अभी तक तो रिपोर्ट यही है। देखो दोस्तों, तमिल 2D में अभी जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक करीब करीब 3.13 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, मतलब कि 3.5 करोड़ या 4 करोड़ तक की आज जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक ये एडवांस बुकिंग हो चुकी होगी। 4 करोड़ मान के चलिए आप, और करीब 155,000 टिकट्स बिकी थी उस समय तक तमिल 2D की। और दोस्तों करीब 197 इसकी ATP एवरेज टिकट प्राइस थी। और दोस्तों जहां तक बात करें अपन तेलुगु 2D की, तो यहाँ पे 8.72 लाख रुपए की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी और करीब 5,333 टिकट्स इसकी बिकी थी। मतलब तो ठीक है, कुल मिलाकर के तमिल तेलुगु में तो फिल्म ठीक कर रही है। अभी रिलीज होने में टाइम है फिल्म के, तो 3 दिन का बाकी है, तो 3 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग होना अच्छी बात है। लेकिन हिंदी में दोस्तों काफी कम है, अभी केवल 1520 रुपए की टिकट थी, मतलब 8 टिकट ही बिकी थी जब मैंने वीडियो बनाया था, और करीब 145 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है, और केवल 17 शो अभी तक हिंदी में मिले, 17 शोज। तो आज शाम तक शायद 100 से ऊपर शोज हो जाएंगे, तो ये टिकट भी करीब करीब फिल्म दोस्तों लाखों में भी नहीं जाएगी। मतलब लगता है कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा की टिकट आज नहीं होगी हिंदी की, और मुझे लगता है कि 2-4 लाख से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हिंदी में नहीं हो रही है अभी तक की। जो इतनी ख़राब शुरुआत है उसको देखते हुए ये लगता है कि अगर 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग भी कर लेती हिंदी में तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब हिंदी में ओपनिंग बहुत कम आने वाली है, फिल्म को शो भी नहीं मिलने वाली है। तो विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो और दूसरी दोस्तों क्या नाम है उसका, जिगरा, ये बाजी मार ले जाएगी। अब कितने शो मिलते हैं, कितनी एडवांस बुकिंग होती है, शुरुआती पहले दिन तो केवल 1520 रुपए की टिकट्स बता रहे हैं दोस्तों अभी तक जो रिपोर्ट थी, और अभी शाम तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है कोई 1000 में टिकट रहेगी। फिर भी 1000 में क्या बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा टिकट्स अभी तक नहीं रहेगी हिंदी में, तो बहुत कम है ये। हिंदी ऑडियंस रजनीकांत सर की फिल्म है, अमिताभ बच्चन सर की फिल्म है, अमिताभ बच्चन सर को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है यहाँ पे, ज़्यादा अभी तक उतना ज़्यादा मतलब फुटेज नहीं दिया गया, उतना ज़बरदस्त रोल उनका लग नहीं रहा है, उतनी ज़बरदस्त डायलॉग्स, एंग्री यंग मैन की जो उनकी छवि होती है वैसा कुछ लगा नहीं, लुक भी मतलब एक उतना ज़बरदस्त लगा नहीं। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सर दोनों एक साथ है उसके बावजूद अगर अभी तक अच्छा नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी अच्छा नहीं करेगी। हो सकता है कि आज रात तक काफ़ी अच्छी एडवांस बुकिंग हो जाए, कोशिश करूँगा एक वीडियो लाने की आपकी आपके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन कल तक कल या परसों तक पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। 10 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, कितना करती है, मैं तो चाहता हूँ कि हिंदी में भी फिल्म काफ़ी अच्छा करे और करना चाहिए, क्योंकि TJ गनावेल की फिल्म में जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है सूर्या के साथ उन्होंने जय भीम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है, और काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर है, तो उम्मीदें की जानी चाहिए। साउथ में काफ़ी अच्छा करेगी, विदेशों में भी कम से कम 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है इसकी ऑलरेडी ओवरसीज में, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा इसका कलेक्शन आएगा 1st डे का, और तमिल से आना ही आना है कलेक्शन, काफ़ी जोरदार कलेक्शन आएगा। अभी कम से कम 20 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग लेगी है मुझे लगता है तमिल से ये फिल्म, तो कहीं ना कहीं आराम से फिल्म वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ तक की आराम से ओपनिंग ले सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात हिंदी की है कि हिंदी में फिल्म कैसा परफॉर्म करती है, हिंदी में कितना जादू यहाँ पे अमिताभ बच्चन सर का और रजनीकांत सर का चल पाता है, विशेषकर अमिताभ बच्चन सर का, तो उसका देखने वाली बात जरूर होगी। जय श्री राम।